फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनमीत व्लॉग्स। मैं हूँ गुन और ये है मेरे साथ मीत। और आज हम जा रहे हैं पंजिम। आज आपको पंजिम की सैर कराते हैं। तो फ्रेंड्स, निकल चुके हैं हम कलंगूट से पंजिम के लिए। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम पे। देखते हैं पंजिम में क्या हाल होता है वेदर का। अभी हम पंजिम के सबसे ज़्यादा फेमस चर्च इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च पे अभी पहुँचे हैं। यहाँ से हम आगे मीरामार बीच पे जाएंगे। फ़िलहाल अभी कोविड की वजह से चर्च अभी बंद है, अंदर एंट्री नहीं है किसी को। बस आप बाहर से ही यहाँ पर देख सकते हो और पिक्स वगैरह ले सकते हो। ये हम अब कसिनोज़ की लेन में पहुंच चुके हैं। अभी ये सब बंद है। अभी कसिनो वगैरह, क्रूज़ वगैरह सब कुछ बंद है अभी, जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोविड की वजह से अभी बंद है सब।
गाइस पहुंच चुके हैं मीरामार बीच पे। अभी तो यहाँ पर धूप है, देख सकते हो, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है गोवा के मौसम का। 5 मिनट में धूप, 5 मिनट में बारिश शुरू हो जाती है। मौसम चेंज हो गया, अभी इतनी धूप थी। अभी इस टाइम पे गोवा के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। 5 मिनट में धूप, 5 मिनट में बारिश। तो आप अपना रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें साथ में, क्योंकि कभी भी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। ये है मीरामार बीच पंजिम में। हेलो जी, कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा मजा आ रहा है। वेदर चेंज हो गया फिर से। ये देखिए, अभी इतनी तेज धूप थी, अब इतनी तेज बारिश हो रही है। ये देखिए, बारिश में डांस भी हो रहा है। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं डोना पोला। ये तो हो चुका बारिश में, पास ही है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर। अब हम ये डोना पोला आ गए हैं, पास में था मीरामार बीच के। देखते हैं यहाँ पर भी, आगे तो स्टॉल्स वगैरह थोड़े बंद ही नजर आ रहे हैं अभी। पहुंच गए हम डोना पोला। बार्गेनिंग होती है यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त। 400 बोलते हैं, और बार्गेनिंग अगर आप अच्छी करो तो वो चीज आपको 150-200 में आराम से मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ये ऐसे वाटर स्पोर्ट्स के आपको बहुत यहाँ पर ऐसे पैम्पलेट मिल जाएंगे। इनके प्राइजेस जो होते हैं, ये लिखे कुछ होते हैं पर इनमें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है।
आप ध्यान रखिएगा ये बात।